नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल से श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं MDSU फर्स्ट ईयर रिजल्ट 2021 के लिए आपको अपने 10th और 12th के मार्क्स की डिटेल आपको MDSU के पोर्टल पर फिल करनी होगी। तो आप अपने 10th और 12th के मार्क्स की डिटेल MDSU के पोर्टल पर कैसे फिल कर पाओगे, स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको एजुकेशन व सरकारी प्रतिनिधि जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि MDSUexam.org की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सीधे यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर स्टूडेंट पैनल का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टूडेंट पैनल के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपने 10th और 12th की डिटेल फिल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उससे पहले आपको क्या करना होगा कि आपने फर्स्ट ईयर का एडमिट कार्ड आपको यहाँ से ये सभी डिटेल फिल करके आपको अपना फर्स्ट ईयर का एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये डिटेल फिल करने के लिए आपको अपने फर्स्ट ईयर की रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। तो आप अपने फर्स्ट ईयर का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाओगे इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करके ये वीडियो देख पाओगे। फिर भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसके लिए आपके लिए न्यू वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग के टू पे एक रेड लाइन इसको आपको रीड कर लेना है। जैसे कि 10th और 12th के मार्क्स नहीं भेजे जाने की स्थिति में पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। यदि आप किसी कारण से अपने 10th और 12th के मार्क्स यहाँ पर अपडेट नहीं करते हो तो आपका यहाँ पर परिणाम नहीं निकाला जाएगा। तो आपको कैसे फिल करना है डिटेल में सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो आपको सबसे पहले फॉर पार्ट फर्स्ट रिजल्ट फिल 10th एंड 12th के मार्क्स पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। आपको इस भी डिटेल फिल करने के बाद में अंतिम रूप से इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। बट इसका प्रिंट आउट ना तो यूनिवर्सिटी में जमा होगा ना ही कॉलेज में जमा होगा, इसका प्रिंट आउट केवल आपके पास संभाल कर रखना है आपको प्रूफ के तौर पर, ये इसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन, क्या क्या सावधान रखनी है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन दे दूंगा, आप वहाँ पर भी वो वीडियो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो अब ये सभी डिटेल मैं आपको यहाँ पर फिल करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर अपनी सिलेक्ट फैकल्टी, आपका जो कौन सा कोर्स है वो कोर्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। तो यहाँ पर मैं साइंस से बताने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर साइंस सेलेक्ट करने के बाद में आपकी क्लास कौन सी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर बीएससी पार्ट फर्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। बीएससी पार्ट फर्स्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि आपके जो भी रोल नंबर थे फर्स्ट ईयर के, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के जो भी रोल नंबर थे, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे, वहाँ से आपको रोल नंबर देखना है और यहाँ पर फिल कर देना है। तो आप अपने फर्स्ट ईयर के रोल में फिल कर देना है। फिर आपकी मदर्स नेम और माता का नाम आपको फिल कर देना है। मदर्स नेम फिल करने के बाद में आपकी जो भी DOB हो वो DOB आपको इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको अपनी DOB इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और जो यहाँ पर ईयर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो आपको इस तरह से सभी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। सॉरी, तो इस तरह से आपको अपनी DOB यहाँ पर फिल कर देनी है। DOB फिल करने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपके एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। फिर आपको वेरीफाई एंड सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिंक करोगे वहाँ पर एक OTP सेंड की जाएगी, उसको आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। ये सभी डिटेल मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, फिर आगे की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सभी डिटेल मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। अब मैं वेरीफाई एंड सेंड OTP पर क्लिक कर दूंगा। वेरीफाई सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद में मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर फिल किए थे उसके ऊपर एक OTP सेंड की हुई है, की गई है। वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। तो यहाँ पर मेरे पास OTP आ गई है, तो मैं OTP यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने OTP फिल कर दिया। OTP फिल करने के बाद में वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक कर दूंगा। OTP वेरीफाई करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपकी जो भी बेसिक डिटेल होगी वो बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी, वो बेसिक डिटेल आपके यहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको स्क्रॉल करते हुए क्या करना होगा कि आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। सबसे पहले आपको अपनी 10th क्लास की जो भी डिटेल होगी वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो 10th क्लास की डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले आपने 10th कौन से बोर्ड से सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। RBSE से किया या CBSE से किया या अदर से किया है। RBSE से क्या, तो आपको RBSE से करना होगा और अदर से करते हो तो आप अदर में क्लिक करना है और आपके बोर्ड का नाम फिल करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। बट मैंने RBSE से किया तो मुझे यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड नहीं करनी होगी, पूरा डाटा फेल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर RBSE पर क्लिक कर देता हूँ। RBSE पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अपने रोल नंबर फिल कर दूंगा। आपकी 10th क्लास के जो भी रोल नंबर हो वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है इस तरह से।
यहाँ पर मैंने 10th के रोल में फिल कर दिए। आपको यहाँ पर यह सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने 10th क्लास पास की, वही ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल फिल कर देनी है। उसी प्रकार 12th की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। 12th आपने कौन से बोर्ड से किया है, आरबीएससी से किया, तो आरबीएससी आपको सिलेक्ट कर लेना है। और 12th के रोल नंबर भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर 12th के रोल नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। 12th के रोल नंबर फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि 12th क्लास आपने कहाँ से की है। तो यहाँ पर 12th क्लास आप कौन से ईयर में किया, तो यहाँ पर मैं ईयर सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर 2020 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर सभी डिटेल आपको यहाँ पर इस तरह से फिल कर देनी है। यहाँ पर डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी जो भी डिटेल होगी वो आपकी डाटा यहाँ पर फेल हो जाएगा। आपके यहाँ पर जो भी रिजल्ट था वो आपको यहाँ पर रिजल्ट फेल हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर जाना है। मॉडिफाइड डिटेल, यदि आप मॉडिफाइड डिटेल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर येस कर देना है। यदि आप डिटेल आपकी डिटेल आपको पूरा डाटा यहाँ पर मिलाना है कि आपकी डिटेल बिल्कुल सही है या नहीं है। यदि आपकी डिटेल यहाँ पर एक्यूरेट सही नहीं होती है तो आपकी बिल्कुल डिटेल यहाँ पर मैच नहीं करती, तो आपको मॉडिफाइड डिटेल करने के लिए आपको यहाँ पर येस पर क्लिक करना होगा। बट मेरी यहाँ पर डिटेल बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर मैं मॉडिफाई पर क्लिक नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो आपको इस तरह से अपने डिटेल से फिल कर लेनी है। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको यहाँ पर लेना है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भरने पर आपका परिणाम रुक सकता है। आपको यहाँ पर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है। यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन भरते हो तो आपको यहाँ पर परिणाम रोक लिया जाएगा अथवा किसी भी स्तर पर निरस्त हो सकता है। इसके लिए आप समस्त विद्यार्थी की होगी। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट चेक करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए बैक बटन पर क्लिक करके 10th के मार्क्स में करेक्शन किया जा सकता है। यदि आप 10th के मार्क्स में करेक्शन करना चाहते हो तो आप अपने बैक पर बैक डिटेल कर सकते हो। यदि आपकी सभी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि आपका यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको नोट लगा के बताया गया है कि मार्क्स सेव करने के बाद कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा। आपके अपने मार्क्स मिला लीजिए कि आपके मार्क्स बिल्कुल सही है या नहीं है। बैक बटन पर क्लिक करके आप 10th और 12th के मार्क्स में करेक्शन कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर सभी मार्क्स मेरे यहाँ पर सही है, तो मैं यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं सबमिट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद ये मेरा पूरा डाटा सबमिट हो गया है। तो अब आपको यहाँ पर फाइनल प्रिंट आउट ले लेना होगा। तो आपको यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट आपको यहाँ पर ले लेना है। तो आप इस छोटी सी प्रोसेस के माध्यम से आप अपने 10th और 12th की डिटेल आप अपने एमडीसी के पोर्टल पर इस तरह से अपडेट कर पाओगे। आज मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।